जय हो और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस सना खान के करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था, तब उन्होंने ग्लैमर से भरी दुनिया को छोड़कर गुजरात के एक मौलाना से शादी कर ली। कभी पर्दे पर बोल्ड अंदाज में नजर आने वाली सना खान पूरी तरह इस्लामी रंग में रंग गई और अक्सर इस्लामी सभाओं में जाने लगी। सना खान इस सभाओं में जाकर अपनी जिंदगी के किस्से अन्य महिलाओं के साथ साझा किया करती हैं और उन्हें बताती हैं कि किस तरह दौलत शोहरत से भरी दुनिया को छोड़कर उन्होंने मिल्लत को चुना और उनका ये सफर कैसा रहा है। ऐसे ही एक वीडियो में सना खान ने बताया कि कैसे उनके पति एक वक्त पर उन्हें बहन बहन कहकर पुकारा करते थे। सना खान ने बताया, पहले हम किसी मौलाना को देखते थे तो भाग जाया करते थे क्योंकि हमें लगता था कि ये हमारी खिंचाई करने वाले हैं। साल 2018 की बात है, आप यकीन नहीं करेंगे कि अनस मुझे बहन बुलाते थे। मैं सोचती हूँ तो मुझे अभी भी हंसी आती है। वो मुझे दावत की नीयत से मिले थे और सोचते थे कि एक अगर कोई इंडस्ट्री से सही रास्ते पर आ जाए तो शायद और बहनों को फायदा हो जाए। सना ने आगे बताया, वो मुझे जब भी मिला करते थे तो जी बहन, हाँ बहन, जी बहन, जी बहन कहकर बात करते थे और मैं भी हाँ जी, जी मौलाना जी, क्या पता था कि ये मेरे हमसफर बन जाएंगे। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो सना खान ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में फिल्म यही है हाई सोसाइटी से की थी और साल 2019 में वह आखिरी फिल्म अयोग्य में नजर आई। इस बीच उन्होंने कई टीवी शोज किए और सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस का भी हिस्सा रही थी। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।